Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Anila and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today we are going to start our new unit, Unit 4, that is COINS. In this video, we are going to discuss SLOs, that is student learning outcomes of Unit 4 of Gohar Mathematics for Class 1. By the end of this unit, our students will be able to identify Pakistani currency in coins 1, 2, 5 and 10. They will also be able to identify Pakistani currency in notes of rupees 10, 20, 50 and 100. They will know that coins are metallic and notes are made of paper. Match a group of coins, notes to an equivalent group of different denominations. उन्हें पता होगा कि denominations क्या होती हैं. Denomination is basically the value of something. कि जब आप coins या rupees देते हैं तो उसकी value की आपको कोई चीज़ मिलती है. They will be able to add and subtract money using the prices of objects. Transactions करने के वो काबिल हो जाएंगे, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा transaction कैसे करते हैं. चीज़ दे के, पैसे दे के coins या money जब आप देते हैं तो उसके बदले में आपको कितनी कीमत की कौन सी चीज़ मिलती है. उनको आप सबसे ज़्यादा उनको क्योंकि टॉयज कैंडीज इस तरह की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद हैं तो हम एग्जांपल्स भी उन्हीं चीज़ों की देंगे. रिकग्नाइज मनी चेंज अप टू 100 टू इट्स इक्विलेंट्स एंड डिनोमिनेशंस. एक 100 रुपी तक जो डिफरेंट मनी है उसके इक्विलेंट क्या है, यानी कि 100 रुपीज़ को आप किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या है. डिटरमिन इफ इनफ मनी इज़ अवेलेबल टू मेक अ परचेज, कि अगर उनके पास कितनी मनी है और चीज़ कितने की है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर 10 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो इफ़ दे हैव इनफ मनी, वेदर दे हैव इनफ मनी और नॉट. एड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स नोट्स टू मेक अ परचेज, कि डिफरेंट कॉइन्स और नोट्स जो उनके पास है, रुपी जो हैं, उनको वो ऐड करके कोई चीज़ खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ टीचर वी आर गोइंग टू टेल देम कि रुपी जब आप लिखते हैं तो इट मीन्स वन नोट. एक नोट वो आपका 100 का भी हो सकता है, वो आपका 5000 का भी हो सकता है, वो आपका 10 रुपीज़ का भी हो सकता है पेपर फॉर्म में. एंड इट कैन बी ऑल्सो इन कॉइन. अगर आप बच्चों को रियालिया दिखाएं कि जैसे आप जितने कॉइन्स आजकल पाकिस्तान में हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1, 2, 5, 10 के कॉइन्स एंड आफ्टर दैट मनी जो हम रुपीज़ की फॉर्म में है, उसको दिखा के बच्चों को आप ये चीज़ बता सकते हैं कि जब आप एक रुपये की बात करते हैं, 1 रुपी की बात करते हैं, तो एक नोट है अगर वो 100 का भी है, वी आर गोइंग टू यूज़ द वर्ड रुपी. हम रुपीज़ नहीं कहेंगे, रुपीज़ तब होगा जब 2-3 डिफरेंट तरह के नोट्स, बेशक वो 100 के भी आपके पास 2 नोट्स हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी 200 रुपीज़, अदरवाइज आप उसे रुपी ही कहेंगे. और जब आप इसको एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी 100 या 200 या 500 या 10, 20 के साथ, आप आर शुड बी कैपिटल और एस स्मॉल फॉर्म में जब ज़्यादा के लिए लिखते हैं. लेकिन जब आप सिर्फ 1 रुपी के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, एक कॉइन है, तो उसके बारे में देन यू आर गोइंग टू राइट आर शुड बी कैपिटल. ये चीज़ें आप बच्चों को ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह से समझाएंगे. उम्मीद है कि आपको SLO समझ आ गए होंगे. गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पे आपको बहुत से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए, जिसमें स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और की बुक्स अवेलेबल हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. अल्लाह हाफिज़.